नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। 11 दिसंबर को सुबह 5 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कुछ नए नियम लागू किए हैं। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक वर्मा ने मतगणना के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी दी। पहली बार ये 2-3 चीजें अपने प्रदेश में लागू हुई हैं, जैसे QR कोड है, उसका रीडर है, वो उपलब्ध रहेगा, वो रीड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद फिर काउंटिंग होगी। बिल्कुल समय लगेगा। हम समझते हैं कि कम से कम यदि बहुत तेजी से काम हुआ तब 2 मिनट लगेगा, नहीं तो 4 मिनट तक का समय लग सकता है। और उस हिसाब से जितनी संख्या यहाँ है हमारे जिले में, अगर उसको हम पूरा काउंट करेंगे तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे। इसके लिए हमारे पास रेंडमाइजेशन होगा, वो 11 तारीख को सुबह 5 बजे हम लोग रेंडमाइजेशन कराएंगे ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में, और फिर उसके बाद हम ये सारी चीजें होगा। हर राउंड पे जो गणना पत्रक फाइनल बनता है वो दिया जाता है और वो देंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।